एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का पहला चैप्टर में हम तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। इस पार्ट में जो हमने कंटेंट सुना है वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पारासाइट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद भी और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इस बारे में विस्तार से इस पार्ट में जानने का काम करेंगे। आप इस डायग्राम को देख रहे हो, फिगर को, यह एक होस्ट प्लांट है जिस पे पारासाइटिक प्लांट के रूप में अमरवेल बिखरा हुआ है। ये ग्रीन कलर का जो देख रहे हो धागा नुमा जो स्ट्रक्चर बनाए हुए पूरे प्लांट को ढके हुए हैं। इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है। पारासाइट का तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यह न्यूट्रिशन तो होस्ट से प्राप्त करता है और फिर अपने होस्ट को हार्म भी पहुंचाने का काम करता है। देख, इस प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा, पूरे प्लांट को ढकने का काम कर रहा है। तो लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ इट? वायरी ब्रांच देख लो, ढेर सारा वायर की तरह लटका हुआ है। ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग मतलब लिपटा हुआ है स्टेम ब्रांचेस से एक पेड़ पे। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्कुचर। इस प्लांट, ये एक प्रकार का प्लांट है जिसका नाम अमर बेल भी है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। यह जिस पेड़ पे क्लाइम कर रहा है उसी से भोजन प्राप्त करने का काम करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। इसे हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, इस प्लांट से, होस्ट से ये वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करता है तो कस्कुटा इज कॉल्ड द पारासाइट। ये जो वायरी स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर्ड पस्कुटा, इसे हम क्या कहेंगे? एक पैरासाइट कहेंगे, क्योंकि ये होस्ट से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। एंड आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट? भाई आपके सिर में जू है, आपने जोंक को देखा है, लीच को देखा है? ये जानवरों से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और उन्हें हार्म भी पहुंचाने का काम करता है। पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज बेड बग्स लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। इसका नाम लिया भाई मॉस्किटोज का, बेड बग्स का, लाइस का, लीचेस का। ये होस्ट से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, खून को चूसने का काम करते हैं और होस्ट को हार्म भी पहुंचाने का काम करते हैं। हैव यू सीन और हार्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन इच एनिमल? क्या आपने किसी प्लांट्स को देखा है जो एनिमल को खाता है? देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसा प्लांट्स है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट कर जाता है। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट्स ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप देख रहे हो ये प्लांट्स को? आप इस प्लांट को देखो, ये पिचर प्लांट है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा
ये ढक्कन बंद हो जाता है और जैसे ही इंसेक्ट इसके बॉटम में पहुंचेगा, यहाँ ढेर सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है जिसके प्रभाव से इंसेक्ट का शरीर गल जाता है और ये प्लांट उसे एब्जॉर्ब करके अपने प्लांट बॉडी में मिक्स करने का काम करता है। क्या आप कल्पना कर रहे हो कि एक ग्रीन प्लांट ऐसी बात नहीं है, ये ऑटोट्रॉफ भी है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन साथ में ये इंसेक्टिवोरस भी है। फीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जग लाइक, ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लिड। अपेक्स पार्ट जो है ये ढक्कन बनाने का काम करेगा, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द फीचर, जिससे हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं पिचर के मुंह का। इन साइड द पिचर देर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसमें ढेर सारे हेयर्स हैं जिनका सिरा नीचे फ्लोट करता रहता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर द लिड क्लोजिंग। जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ पहुंचता है, इनका ढक्कन बंद हो जाता है एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। ये जो सस्पेंडेड हेयर है, ये लटके हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसी में ये लिपट जाता है इंसेक्ट और वो बाहर नहीं निकल पाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज इस तरह से इंसेक्ट जो है इस पिचर प्लांट का शिकार बन जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रीटेड इन द पिचर एंड द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। इसके डाइजेस्टिव जूसेस में ये इसका शरीर गल जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और फाइनली इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल दैट such plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? अब हुजो कंफ्यूज है कि इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड्स ऑन इंसेक्ट। भाई जब आप फोटोसिंथेसिस कर ही रहे हो, अपना खाना खुद बना रहे हो, तो फिर इंसेक्ट्स को खाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपको पूरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं हो रहा है सॉइल से? तो ऐसे प्लांट्स नाइट्रोजन के कंटेंट्स की आपूर्ति को पूरा करने के लिए इन्हें इंसेक्टिवोरस बनना पड़ा। अब आइए नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात करें, सेप्रोट्रोप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने मार्केट में देखा होगा डब्बा बंद मशरूम को बेचते हुए। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। भाई बारिश के सीजन में इसका मैक्सिमम ग्रोथ होता है फंगस का, और आपने बारिश के सीजन में देखा होगा लकड़ी के ऊपर ये फ्लफी स्ट्रक्चर जो बनाता है, अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर बनाता है, या पैचेस जो बनाते हैं, ये बारिश के दिनों में बनने का निर्माण करता है। इसका मतलब फंगस का मैक्सिमम ग्रोथ रेनी सीजन में होता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सरवाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। भाई इन्हें किस तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये कैसे सरवाइव करेंगे? आप देख रहे हो ये फंगस का मशरूम का पैकेट, यहाँ फंगस ग्रो कर रहा है। पैकेट्स ऑफ मशरूम, ये मशरूम ग्रोइंग ऑन ए डिकेइंग मटेरियल। पौधों पे ग्रो करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ये ग्रो करने का काम करता है, और ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं? सैप्रोट्रोप। इस एक्टिविटी में आप देखो, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टेन इट विथ वाटर। को पानी से भिंगा दो, मॉइस्ट कर दो, लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस
टू और थ्री डेज और अंटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम। जब तक कि ये पैचेज जो आप देख रहे हो ब्रेड के ऊपर इसको आपको दिखाई ना दे। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेज? ये जो पैचेज बन रहे हैं ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फंगस इनका कलर क्या है? ऑब्जर्व द पैचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको ऑब्जर्व करने का काम करो, देखने का काम करो। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ। आप देखोगे कॉटन पे ढेर सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर गया है। वो क्या है? वो ब्रेड मॉल्ड है जो आपने ब्रेड पे ग्रॉथ करवाया है। जो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, दे डू नॉट हैव माउथ। पर भाई इनके पास माउथ तो है नहीं। लाइक एनिमल्स दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। भाई ये प्लांट होते हुए भी इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इनको नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट, क्योंकि ऐसे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इनको माउथ भी नहीं है। तो फिर ये भोजन कैसे एक्वायर करते हैं? तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजा। इस नॉन ग्रीन प्लांट्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? फंजाई बोलेंगे। एंड दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड अलग है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अरे भाई जो प्लांट और एनिमल जो डेड कर गए उससे ये न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने का काम करता है। देखा आपने? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स और एनिमल डेड प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है उसको एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन करते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विथ सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप। इन्हें हम क्या कहेंगे? इस तरह के प्लांट्स को, नॉन ग्रीन प्लांट्स को सैप्रोट्रोप्स कहेंगे। ये अपना भोजन नहीं बना सकते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये सड़े गले प्लांट्स और डेड प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अरे भाई हॉट और ह्यूमिड लेदर वेदर है और आपने लंबे समय तक अचार को खुला छोड़ दिया है। चमड़े का जूता है, क्लॉथ्स है, अदर आर्टिकल्स है, तो देखो वहां फंगस ग्रो कर जाता है। और चूंकि मैंने कहा ना इसको सबसे जो बेस्ट जो सीजन मिलता है वो रेनी सीजन है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग। रेनी सीजन में अगर जो चीजें खराब होती है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है तो सबसे ज्यादा वो है फंगस। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस। क्या क्षति होती है आपके घरों में फंगस के द्वारा? आप अपने पेरेंट्स से बात करिए। तो पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच सी वो ऑन स्पेशल ओकेजन वे आर स्पॉइल्ड बाय फंगस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इस सीजन में स्पॉइल कर गया रेनी सीजन में। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगस अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अरे भाई ये एयर में फ्लोट करता रहता है इसका स्पोर, और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मॉइस्ट प्लेसेस मिलता है, हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस मिलता है, ये ग्रो करने का काम करता है। द
fungal spores are generally present in air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. मैंने कहा ना कि वार वार मॉइस्ट जैसे ही मिलता है ऐसे फेवरेबल कंडीशन ये ग्रो करने का काम करते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. हम कैसे रोक सकते हैं भाई हमारी चीजें खराब नहीं हो. अब आइए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज ए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ मनी प्लांट. ये तो फोटोसिंथेसिस करता है. क्रॉटन ये भी फोटोसिंथेसिस करता है. अलगी फोटोसिंथेसिस तो बचा कौन. हेटरोट्रॉपिक में कौन आएगा. ये कस्तुका ये पारासाइटिक है. पारासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या कहलाएगा. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा. कस्तुका प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट्स सेप्रोट्रोप्स सिम्बायोटिक. नहीं भाई ये किसमें आएगा. पैरासाइट में आएगा जो होस्ट पर ग्रो करे और होस्ट को हार्म पहुंचाने का काम करे. वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे पैरासाइटिक. सेप्रोफाइट जो सड़े गले पदार्थों पे ग्रो करता है. और सिम्बायोटिक म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें दोनों जीव को फायदा हो. तीसरा क्वेश्चन विच वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. क्वावा. नहीं भाई ये तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है. कैक्टस ये भी ऑटोट्रॉपिक है. पिचर प्लांट पार्शियल हेटरोट्रोप इसको कहेंगे. ये कंप्लीटली ऑटोट्रॉपिक नहीं है क्योंकि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके डाइजेस्ट करता है और उसे खाने का काम करता है भाई. तो ये पिचर प्लांट हमारा क्या हो गया. इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट गेट्स न्यूट्रिशन बाय फोटोसिंथेसिस ट्रैपिंग इंसेक्ट्स. भाई दोनों ये दोनों प्रक्रिया अपनाता है. फोटोसिंथेसिस भी करता है और ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स भी करता है. हमारा आंसर क्या होगा. हमारा आंसर होगा बोथ. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन. क्या मिलता है उसे. मैंने कहा ना कि जिस सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड लैक करता है इसी नाइट्रोजन कंपाउंड्स को पाने के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को इंसेक्ट खाने की जरूरत पड़ती है. इसलिए नाइट्रोजन कंपाउंड के कंटेंट्स को फुलफिलमेंट के लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट. द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नॉन एज. नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे. सेप्रोफाइट्स पैरासाइट्स सिम्बायोटिक. हम उसे क्या बोलेंगे. सेप्रोफाइट्स इसमें फंगस आएंगे. मशरूम आर एग्जांपल ऑफ. मशरूम क्या है. बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ. आर नहीं भाई ये तो फंगस है. नॉन ग्रीन प्लांट है. ऑर्गेनिजम्स गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स आर कॉल्ड. इसे हम लोग सेप्रोट्रोप कहेंगे. ऑटोट्रोप तो अपना खाना खुद बनाता है. कार्निवोर्स जो फ्लेश ऑफ एनिमल्स. ओमनिवोर जो प्लांट और एनिमल दोनों प्रोडक्ट को खाने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 9 फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ. ये फ्लफी पैचेस तो तुमको दिखाई देता है ये ब्रेड में. मैंने क्या कहा कि ब्रेड को आप मॉइस्ट कर लो और अंधेरे जगह में रख दो फिर उसे बाहर निकाल के ऑब्जर्व करो या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो. आपको दिखाई देगा और वो पता है किस चीज का है. वो है फंगस. फंगस के कारण तुम्हारा वो ब्रेड. उस फंगस का नाम है ब्रेड बाउल. का नाम क्या है. ब्रेड माउल्ड.
लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फंगस इज सीन ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा मैंने कहा फंगस के ग्रोथ के लिए दो बातें, दो कंडीशंस जरूरी है, एक वार्म होना, दूसरा मॉइस्ट ह्यूमिडिटी। अगर है तो आप देखोगे फंगस के स्पोर्स का मैक्सिमम होता है, और रेनी सीजन में ये दोनों बातें पाई जाती हैं, इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फंगस इज सीन इन रेनी सीजन। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट को यहीं समाप्त करने का प्रयास किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस।